बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को आज की वीडियो में वेलकम कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे अल्लाह ताला के रहमत करम और फजल के साथ। इसी के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं और आपको हम आज बताते हैं कि हम आज की वीडियो सिर्फ इसलिए लेके आए हैं, ईद गुज़र चुकी है और आज जो है ईद के बाद मेरा फर्स्ट डे है वॉक का, क्योंकि ईद के दिनों में मसरूफियत काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए मैं वॉक के लिए नहीं निकल सका। और आपको बताते हैं कि आज हम कहां पर वॉक करने के लिए आए हैं। ये ग्राउंड है मेरे पीछे, ये सारा ग्राउंड है और इस ग्राउंड में माशाल्लाह बहुत ही अच्छी घास जो है लगी हुई है और इसके ऊपर जब जो रात को तरेल पड़ती है, जो स्नो पड़ती है, उससे मौसम बहुत ही घास जो है बहुत ही खूबसूरत हो जाती है और सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो चलो आपको दिखाते हैं इसके साथ हम और कहां कहां जाएंगे और क्या करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। ये हमारे गांव के करीब एक ग्राउंड है, वहां पर मैं आया हुआ हूं। अभी मैं आपको बताता हूँ ये ग्राउंड कितना बड़ा है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारा व्यू आता है। ये क्रिकेट खेलने के लिए भी बहुत अच्छी जगह है। माशाल्लाह घास पर सुबह सुबह पैदल चलने का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है, चप्पल के बगैर घास पर चलने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। इसके साथ जो रात को तरेल पड़ी होती है, जो स्नो पड़ी होती है घास के ऊपर, वो रहती है। इस वजह से इंसान के पाँव को जब वो घास लगती है तो वो दिल को बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आएगी, बहुत ही इन्फॉर्मेशन मिलेगी इंशाल्लाह। अभी हम थोड़ा सा यहाँ पर वर्जिश करेंगे इंशाल्लाह और आपको दिखाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना मोबाइल रखने के लिए मैंने पॉइंट बना लिया है। सांस जो है वो फूल गई है। इंशाल्लाह कल को और ट्राई करेंगे और इंशाल्लाह इसकी तादाद बढ़ाएंगे, चिन अप इंशाल्लाह और ज़्यादा लगाएंगे और इनको 50 तक लेके जाना है इंशाल्लाह अल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आएगी। जो मेरे नए देखने वाले हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बुखारी फूड सीक्रेट्स, और वीडियो को लाइक करें। मुझे सांस जो है फूल गई है चिन अप लगाते हुए, अभी 5 ही लगाए हैं सिर्फ। तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, अगर पसंद आए तो वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए वापस चलते हैं और दही भी लेना है अभी मार्केट से और आपको दिखाएंगे कि हमारे यहाँ का दही किस तरह का होता है। तो चलिए वॉक करते हुए चलते हैं। और मैंने जो अपनी चप्पल है वो मैंने उतार दी थी पीछे ही, काफ़ी दूर ग्राउंड में आते ही मैंने अपनी चप्पल उतार दी थी, ताकि जो है ग्राउंड में पैदल चलने का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा है, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो चलिए चलते हैं। बिस्मिल्लाह
जो भी नए दोस्त आए हैं मेरे चैनल पे, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी और इसी के साथ जो है बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो आने वाली हैं। इंशाल्लाह रूटीन के साथ अभी वीडियो शेयर किया करूँगा और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। काफ़ी दिनों से वीडियो एडिट नहीं की, काफ़ी वीडियो बनाई हुई थी लेकिन एडिट नहीं कर सका। ये मैंने चप्पल इधर उतारी थी, ये मैंने चप्पल पहन ली है, तो चलिए अभी चलते हैं। और मैं आपको बता रहा था कि मैंने काफ़ी ज़्यादा वीडियो बनाई हुई थी, सिर्फ एडिट नहीं कर सका और अपलोड नहीं कर सका। इसी वजह से मेरी कुछ हार्ड ड्राइव जो है वो करप्ट हो गई थी, ख़राब हो गई थी, उसको भी ठीक करवाने के लिए दिया हुआ है और उम्मीद करता हूँ कि वो जल्द ही ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। जूँ ही वो ठीक होती है तो उसमें जो वीडियो होगी वो आपको दिखाई जाएंगी। तो अभी इंशाल्लाह रूटीन के साथ वीडियो अपलोड की जाएगी। रहमान रहीम, थोड़ी देर के लिए ये सांस ले लेते हैं, यहाँ पर बैठ जाते हैं। बेंच इधर लगा हुआ है बैठने के लिए ग्राउंड में, माशाल्लाह। थोड़ी देर इधर बैठ जाते हैं और थोड़ी देर सांस लेते हैं। चप्पल मैंने इसलिए पहन ली है कि अभी मैं घर की तरफ जा रहा हूं और ग्राउंड से बाहर निकलने लगा हूं, और मैंने चप्पल इसलिए पहन ली है क्योंकि अभी मैंने वॉक कर ली है। माशाल्लाह सूरज भी निकलने वाला है, इस तरफ से निकलना है सूरज, तो उम्मीद है कि सूरज निकलने वाला है और मैं घर की तरफ जा रहा हूँ इसलिए। माशाल्लाह गुलाब के फूल हैं। रहमान रहीम, दही मैंने ले लिया है, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा है, बहुत ही मज़ेदार और अच्छा दही है यहाँ का। तो बहुत ज़्यादा रश था दही वाले के पास, तो चलिए अभी घर की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, दही जो है वो चेक करेंगे। वो पीछे अली हसन है, बहुत ही शरारती मेरा भतीजा। हाँ जी, क्या बात है अली हसन, बताओ दही खाना है? माशाल्लाह दही बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही ज़्यादा लजीज है,
तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बार बार मिलता रहे। और इसी के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़। कैसा सही है? हाय मज़ेदार। क्या ये सही है? कैसा कैसा? चलो और लो, और ले लो इधर। सही है, मजेदार है। मजेदार। Thank you.